Good morning. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So अभी first class over नहीं हुआ है क्या? First class over? No, sir. First class is still going on? Yes, sir. Okay, so we'll wait for 2 to 3 minutes. Good morning to you all. Good morning, sir. Okay, so good morning, sir. Yeah. Let your friends to join, then we'll start the class. So how all of you are feeling? The classes kaisa ho raha hai? Kaisa classes ho raha hai sara? Koi ek interact karo. Shiv Shankar. Shiv Shankar. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Sara classes kaisa ho raha hai? Yes, sir. Sara classes kaisa chal raha hai? Theek chal raha hai, sir. Labs bhi shuru ho gaya na kuch kuch? Ji, sir. Shuru kahan hua hai, sir? Abhi hoega. Aap jab portion complete karayenge syllabus. Kya bol rahe? सर अभी लैब होना शुरू नहीं हुआ अभी सर कहें कि आप जब तक कंप्लीट कराएंगे सारे सब्जेक्ट में पोर्शन थोड़ा कवर होएगा उसके बाद थ्योरी पार्ट थोड़ा कवर हो उसके बाद लैब्स सारा स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यूअस वे में सो कौन कौन से पेपर का लैब है सभी को मालूम है यस सर ओके सो हाउ मेनी लैब्स आर देयर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर इसके अलावा सर अभी तक तो इतना ही है ओके रूटीन में और क्या है तुम लोगों का
मिनी प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट हाँ ठीक है वो एक है मिनी प्रोजेक्ट है फिर सर ईए क्लास होता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए ये जो है वो भी लैब की तरह ही है प्रैक्टिकल पार्ट नहीं के बराबर है तो इसके लिए रिपोर्ट सबमिट और स्वयं का क्लास होता नहीं है सर किस चीज का वो स्वयं सर स्वयं का क्लास वो स्वयं जो है वो उसका कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है वो एक्चुअली वो रूटीन में इसलिए इंक्लूड किया गया कि पता नहीं वो कब से क्लासेस शुरू हो जाए इसलिए उसे इंक्लूड किया गया है तो उसे टीवी पर भी देख सकते हैं स्वयं का वो डीडी पर आता है कुछ वो देख सकते हैं अदरवाइज एनपीटेल पर बहुत सारा कोर्सेज अवेलेबल है स्वयं के पोर्टल पर हैव यू एवर गॉन थ्रू द स्वयं पोर्टल एनीबडी सो आई विल टेक वन स्मॉल सेशन ऑन दिस स्वयं ओके सो दैट यू कैन गेट टुगेदर विद दिस स्वयं पोर्टल सो मेनी कोर्सेज आर अवेलेबल देयर अभी जो कोर्सेज आपका चल रहा है वो सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं तो अगर आप चाहें तो उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं उसमें कोई फी नहीं लगता है अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं देन आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए 1000 और 1500 का एक अमाउंट लगता है अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो है ना तो अगर अपीयर नहीं होते इन दैट केस ऑल्सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उनके क्लासेस को वो रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसके फैकल्टीज का क्लासेस होता है लाइक आईआईटीज मेनली आईआईटीज के ही फैकल्टीज का क्लासेस है सो यू कैन ज्वाइन दैट जैसे एनपीटेल का आप लोगों ने नाम सुना हो तो एनपीटेल उसी का पार्ट है स्वयं का ही पार्ट है ठीक है तो आप स्वयं के पोर्टल पर जाकर और ये लेक्चर्स देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं तो मैंने एक कोर्स देखा था छोटा सा ई सिम को लेकर ई सिम जो कि आपके सर्किट डिजाइनिंग और सिमुलेशन के लिए यूज होता है तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं वो इसी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही अप्रोप्रिएट है ई सिम जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर सर्किट सिमुलेशन सर्किट डिजाइनिंग आप कर सकते हो तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इट इज बेटर फॉर यू ऑल ओके सो आई विल स्टार्ट द क्लास फॉर योर कम्युनिकेशन So today we will see the generation of amplitude modulation. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि amplitude modulation क्या होता है और इसके corresponding हमने कुछ कुछ expression देखे amplitude modulation के expression देखे modulation देखा power of amplitude modulation देखा है ना अब हम देखेंगे कि how we can generate amplitude modulation. So I'm sharing the whiteboard. Yes. So are you able to see the whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will discuss today the generation of amplitude modulation. How we can generate amplitude modulation. So there are two methods of generating amplitude modulation. The device, 1 minute. I am just stopping the sharing. Wait for a few seconds. I will be come back. Yeah, sorry for the interruption. I'm again sharing the whiteboard. So we have to discuss the generation of amplitude modulation. So for generating amplitude modulation,
देर आर मतलब उसका जो मेथड्स है, मेथड है उनको हम ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दी सो जनरेशन इज क्लासिफाइड इन टू वेज as first one is low level AM modulation or low level AM generation and second one is high level AM generation. तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, लो लेवल एएम जनरेशन मतलब क्या होगा कि देयर विल बी लो पावर सिग्नल्स विल बी देयर एंड हाई लेवल एएम जनरेशन में क्या होगा, हाई लेवल ऑफ हाई लेवल और हाई पावर लेवल्स का सिग्नल्स होगा. ओके, सो इन द फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट केस व्हाट आई हैव ड्रॉन हियर इज द लो लेवल, सॉरी लो लेवल मॉड्यूलेशन. ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दिखाया है, सो दिस ब्लॉक डायग्राम बिलोंग्स टू संजय शर्मा बुक. यू कैन गो थ्रू, आई विल शेयर दी सॉफ्ट कॉपी. आई गॉट दी सॉफ्ट कॉपी ऑफ संजय शर्मा, सो आई विल शेयर दी सॉफ्ट कॉपी ऑफ संजय शर्मा सो दैट यू कैन गेट इन डिटेल विद द बुक. ओके, सो फ्रॉम दिस वेरी बेसिक ब्लॉक डायग्राम यू कैन इजिली अंडरस्टूड दैट देर इज अ लो लेवल ए एम मॉड्यूलेटर. सो within this low level AM modulator, what we can say that the modulation is done at low power level. So in the first case, modulation is done at low power level. Okay. Or we also can say that very small power is associated. So small power is associated with master signal. And carriers. So in this type of modulation, the small power there, मतलब जो हमारे पास modulating signal या message signal होगा, message signal को हम लोग modulating signal बोलते हैं. So इसमें जो power associated होगा वो बहुत ही कम होगा. So based on this, the output power of modulation is also low. So चूंकि हम यहाँ पर जो signals use कर रहे हैं, these signals are of low power level. So the output power in this case, or the output modulated signal, the power of output modulated signal will also be low. अब यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा होगा दैट amplitude modulation के लिए हमें दो types of signals चाहिए होते हैं. पहले तो baseband signal जिसमें हम message signal कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज कैरियर सिग्नल. तो यहाँ से आर एफ कैरियर ऑसिलेटर है, मतलब यहाँ से जो आएगा वो क्या आएगा, दिस विल बी अ कैरियर सिग्नल. सो दिस विल बी अ कैरियर सिग्नल हियर, एंड बोथ ऑफ दीज सिग्नल्स विल बी अप्लाइड टू अ लो लेवल मॉड्यूलेटर एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर. वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर क्यों? Because the signals which we have after the modulator will be of very low power level. यहाँ पर जो हमें signal मिलता है, यहाँ पर जो हमें signals मिल रहा है, these signals obtained here are
of low power level. So these signals are applied to wideband power amplifier and then it will get transmitted. Okay. So there is an antenna transmitter. So these signals will be transmitted through the antenna. Okay, so this is the low power level modulator where we will use low level AM modulator, and after that it will be applied to a wideband power amplifier to amplify the signal or to enhance the power level of the signal so that it can be transmitted easily. So wideband power amplifier ka istemal hum log kyon kar rahe hain? Wideband power amplifier ka istemal hum log kyon kar rahe hain? Yahan ek likh dete hain that wideband power amplifier WBPA, मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ. ओके, वाइडबैंड पावर एम्पलीफायर क्या करता है? हम लोग इस पर वाइडबैंड पावर एम्पलीफायर क्यों इस्तेमाल किए हैं? टू रिजर्व द साइड बैंड्स, टू प्रिजर्व द साइड बैंड्स ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. क्योंकि हमारा ये जो सिग्नल है वो यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ जो सिग्नल मिल रहा है एट दिस प्लेस, हमारे पास वेरी लेस पावर, वेरी लो पावर लेवल का सिग्नल है. तो पावर लेवल लो होने के कारण हमारे सिग्नल्स का जो कुछ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स है दे कैन बी गेट मिनिमाइज एंड इट कैन नॉट बी, इट विल नॉट बी डिटेक्टेड बाई द एंटीना. सो दी दोज part of the frequencies are amplified so that we will preserve the side bands. Okay, now what are the examples for this? So what are the examples of this low power low level AM modulator? Examples of low level AM modulator are स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, एंड स्विचिंग मॉड्यूलेटर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ this low level AM generation, low level AM generator. Okay, now we will proceed for high level amplitude modulator. So in high level amplitude modulator what we will have, jaisa ki naam se hi pata chal raha hai high level amplitude modulator hai, to hum kya sir second number kya tha sir jo example bataya, square low modulator aur ek kya tha, switching modulator, switching. Okay sir. baseband signal. Okay, so this baseband signal, so इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास जो हमने नाम दिया वो क्या है, second one is the high level modulator. So high level modulator हम कह रहे हैं तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, high level modulator मतलब कि हमारा जो signal होगा वो पहले ही एम्पलीफाइड होगा, मतलब उसका पावर हम पहले ही बढ़ा देंगे सो दैट वी विल नॉट गेट द डिमिनिश्ड सिग्नल. सो बेसबैंड सिग्नल लिए, नाउ वी विल हैव हियर वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर. नाउ अभी हम क्या किए, विदाउट मॉड्यूलेशन के पहले ही हम लोग यहां पर करेंगे हाई लेवल मॉड्यूलेटर. ओके, सो हाई लेवल मॉड्यूलेटर पर देने पर भेजने से पहले ही वी विल एम्पलीफाई द पावर ऑफ द सिग्नल, एंड हियर वी विल हैव अ आरएफ ऑसिलेटर
So this RF carrier oscillator, so power of this signal, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से carrier मिलेगा. So this carrier is also amplified. The power of this carrier is also amplified, but here narrow band power amplifier is used. तो यहाँ पर नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर इस्तेमाल किए और यहाँ पर वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल किए. सो इन दिस वे द पावर ऑफ बेस बैंड सिग्नल एज वेल एज द कैरियर सिग्नल इज एनहांस्ड एंड देन इट विल बी अप्लाइड टू हाई लेवल मॉड्यूलेटर एंड आफ्टर दैट इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटेना. सो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटेना. सो दिस इज हाई लेवल मॉड्यूलेटर. So in this case, modulation is done at high power level because the power of the signal as a signal as well as the carrier signal, that my modulating signal or the message signal and the carrier signal are amplified before applying to the modulator. तो यहां पर अब एक क्वेश्चन आ सकता है दैट बेस बैंड सिग्नल में हमने वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर लगाया और आरएफ ऑसिलेटर कैरियर ऑसिलेटर के लिए कैरियर के लिए हमने नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर लगाया क्यों? तो इसके पीछे कारण ये है कि हम क्या जानते हैं कि कैरियर जो होता है वो कैरियर क्या होता है? कैरियर जो होता है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल होता है ना. ऑलरेडी वी हैव सीन दैट कैरियर जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है. सो ए नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके वी कैन एनहांस द पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल. बट इन बेस बैंड सिग्नल हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि एक बेस बैंड सिग्नल में हमने थ्री टोन मल्टीपल टोन सिग्नल लेकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिया था. तो बेस बैंड सिग्नल में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स हो सकते हैं. सो वो एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो सकता है, एक लार्जर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो सकता है और उस लार्जर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए वी विल फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए वी विल यूज वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर. ओके, सो नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर. ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. सो नैरो बैंड पावर एम्पलीफायर को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है NBPA. Narrow band power amplifier is used as the carrier signal is narrow band signal. नैरो बैंड कहने का क्या मतलब है कि नैरो बैंड को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं नैरो बैंड सिग्नल और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल. ओके, नैरो बैंड को हमने एक और नाम दे दिया कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल. सो हियर दिस इज द सिंपली ब्लॉक डायग्राम ऑफ नैरो बैंड द हाई लेवल पावर मॉड्यूलेशन. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस? What is the example of this method? So collector modulation method. Collector modulation method is an example of this high level high level modulation scheme. Okay, so this is about low level and high level amplitude modulation. Now हमारे पास हेलो सर. या सर, ये सब जो जितने भी सिग्नल्स वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं सर? प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं मतलब ये जो सिग्नल्स हमारे पास आ रहे हैं जैसे बेस बैंड सिग्नल है या कैरियर सिग्नल है
यही तो प्रैक्टिकली। हाँ बोलो पूछो। प्रैक्टिकली कैसे होता है सारा कुछ वो सब जितना भी प्रोसेसेस है वो, क्योंकि ऐसे तो थ्योरी हम लोग पढ़ ले रहे हैं बट वो क्लियर नहीं हो पा रहा है हम लोग को। देखो अब इसमें क्या है कि जब तक थोड़ा लैब नहीं होगा तब तक कुछ दिखेगा नहीं क्लियरली, तो जब तुम लोग लैब करोगे देन यू विल हैव, तो जब लैब करोगे तो जो किट है या तो किट में होगा या फिर वो वर्चुअल लैब के थ्रू होगा, तो वहां पर देयर यू विल हैव सम वाइड बैंड पावर एम्पलीफायर। सो पावर एम्पलीफायर यू विल लर्न इन द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके सो अबाउट ऑसिलेटर्स यू विल लर्न इन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो। सो दीज आर द सर्किट्स एंड दीज सर्किट्स आर इम्प्लीमेंटेड ओवर देयर। सो द सिग्नल्स आर अप्लाइड टू दोज सर्किट लेवल। सर्किट लेवल पर हम लोग अप्लाई करते हैं सिग्नल्स, और जो भी आउटपुट आता है हम लोग जैसे लैब में देखेंगे तो लैब में देखेंगे उसे क्या देखेंगे, लैब में हम लोग जब देखते हैं तो उसे देखते हैं डीएसओ पर। डीएसओ मतलब क्या, डिजिटल ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करके हम लोग सिग्नल्स को देखते हैं, वेदर द सिग्नल्स आर जो वो साइनोसॉइडल सिग्नल है या नहीं, वो रेक्टेंगुलर सिग्नल है या फिर वो एक ट्राइंगुलर सिग्नल है। तो जब ये सारे सिग्नल्स को आप सीआरओ पर देखते हो ना तब ये विजुअलाइज होता है कि हाँ इस तरह से सिग्नल्स हैं और इस तरह से मॉड्यूलेट होकर सिग्नल्स का शेप चेंज हो रहा है और वो फिर से ट्रांसमिट होकर, सो वहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर वाला पार्ट है अगर आप लैब में देखोगे तो यू कैन सी दैट। आपका मे बी जो लैब हो वो वर्चुअल लैब से हटकर आपको लैब का भी जो व्यू है उसमें किट्स पर दिखाया जाए, है ना, वो सब दिखाया जाएगा कि किट लेवल पर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से थोड़ा विजुअलाइज हुआ कि ये सिग्नल्स कैसे जनरेट हो रहा है और सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है। ओके तो अभी जो है वो आप तो ऐसे ही देख पाओगे, और प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हो, जैसे आप मोबाइल ही यूज कर रहे हो तो हम तो देखते हैं कि जब हम जैसे ही कॉल लगाते हैं तो जस्ट कॉल लग जाता है, लेकिन उस कॉल लगाने के दौरान बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि आप आगे वायरलेस कम्युनिकेशन में भी पढ़ोगे। वायरलेस कम्युनिकेशन सेवन सेमेस्टर में वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो उसमें आपको मोबाइल्स के बारे में जानने और मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा वहाँ धीरे धीरे आप विजुअलाइज कर पाओगे, लेकिन ये विजुअलाइजेशन तब ज़्यादा होता है जब आप उसको विजुअली थोड़ा देखते हैं, लैब में देखते हैं, सिग्नल जनरेट करके देखते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपको यही देखना होगा कि ये पिक्टोरियली आपको ये देखना होगा कि ये हमारे पास ऐसा सिग्नल है, ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, यहाँ आपको जैसे ये एक सिग्नल है। ठीक है, तो यही जो सिग्नल है इसी टाइप का सिग्नल हम सीआरओ पर डीएसओ पर जनरेट करते हैं, ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल हम डीएसओ पर जनरेट करते हैं, और डीएसओ जब आप पढ़ोगे तो डीएसओ में दो पोर्ट्स होते हैं, तो दो सिग्नल्स को जनरेट करके उसमें हम लोग इम्पिंज करते हैं और दोनों सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करके जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल निकलता है देन, जैसे अभी हम आपको पिक्चर में दिखा दे रहे हैं कि ये हमारे पास सिग्नल था, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था और ये कैरियर सिग्नल था, अब ये दोनों जब मिलते हैं तो हमें इस तरह से मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, है ना। यही चीज आप डीएसओ पर भी देखोगे, लेकिन वहां पर थोड़ा ज्यादा विजुअलाइज होगा कि सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल अभी ऑनलाइन क्लास में यही हो रही है, हम लोगों को भी हो रही है और स्टूडेंट्स को भी हो रही है कि वो अच्छी तरीके से चीजों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल ये चीज खत्म हो जो हम लोग झेल रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा सभी को इसमें मुश्किल है, हमें पढ़ाने में मुश्किल आती है, हम बच्चों को देख नहीं पाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन सामने होता है तो हम देख पाते हैं हाँ ये समझ पा रहा है ये नहीं समझ पा रहा है। तो ये सारा बहुत सारा चैलेंजेस है जो कि हम लोग इसको फेस कर रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट बट द सिचुएशन इज लाइक दैट। सो मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कुछ वीडियोज भी दिखाऊँ सो दैट यू कैन get some practical view, okay? So okay sir, thank you sir. There we are. Yeah.
हाई लेवल मॉड्यूलेटर, सो हाई लेवल मॉड्यूलेटर का एक एग्जांपल हमने लिया कलेक्टर मॉड्यूलेशन मेथड, सो ये स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, ये सारा कुछ हम देखेंगे डिटेल्स में आगे. सो व्हाट इज द टाइम, सो वी विल हैव फोर मोर मिनट्स, फोर थ्री टू फाइव मिनट्स. सो या नाउ आई एम गोइंग टू द लो लेवल मॉड्यूलेटर, द स्क्वायर लॉ modulator. Okay, so square law modulator. ओके, सो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर ये किसका एग्जांपल है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. दिस इज द लो लेवल मॉड्यूलेटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लो लेवल मॉड्यूलेटर. तो इस सर्किट को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये काफी एक सिंपल सर्किट है. सो इस सर्किट में वी आर अप्लाइंग द कैरियर सिग्नल, so we are applying here the carrier signal and here we are applying the modulating signal. Modulating signal. And here some VCC, some constant voltage is applied. Okay, so this is a very basic circuit where here we have an LC circuit. So this LC circuit is nothing but what it is known as, the tuning circuit. Oscillator. Yeah, oscillator. We will have a tuning circuit. So this tuning circuit is tuned to the carrier frequency. So this tuning circuit is tuned to the carrier frequency. So based on the value of carrier frequency and the carrier signal and the modulating signal, whatever we are getting here at the so what is this, what is the symbol of, symbol of what, this is the symbol of what, diode sir. This is the symbol of diode. So this is applied to a diode. So naam yahan par kya hai, square law modulator. So square law modulator kehne ka kya matlab hai ki in this method we will use the square law diode modulation where the non-linear current voltage characteristic of the diode is used. So non-linear characteristic kya hota diode ka, sorry for this drawing thoda teda hai, manage karoge. I think all of you have seen this VI characteristics of a diode. Are you acquainted with this? Well, yes sir, through diode ka ye characteristics. Yes, sir. हाँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा और मे बी अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ रहे हो तो कुछ बेसिक सर ने भी बताया होगा आपको. सो वी हैव अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर अप टू सम लेवल, अप टू सम वोल्टेज, अप टू सम वोल्टेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिवाइस इज नॉन लीनियर. सो यहां से यहां तक वाला जो पार्ट है वो क्या हम देख पा रहे हैं, नॉन लीनियर है. और इसके बाद का जो पार्ट है ये पार्ट, दिस इज लीनियर, सॉरी लीनियर पार्ट. तो डायोड का जो नॉन लीनियर पार्ट है, तो नॉन लीनियर इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल एक माने कोई भी एक एग्जांपल ले लें, सिंपल सा एग्जांपल लाइक वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा एक एग्जांपल ले सकते हैं, है ना. एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस कुछ भी. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर
इक्वेशन, तो नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियरिटी का इस्तेमाल करके वी कैन जनरेट दिस, वी कैन जनरेट अ सिग्नल आफ्टर पासिंग थ्रू दिस डायोड. सो डायोड के बाद जो हमारे पास यहाँ सिग्नल मिल रहा है, दैट विल बी अ नॉन लीनियर टाइप ऑफ सिग्नल, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस ट्यूनिंग सर्किट विल बी ट्यून्ड एंड वी विल गेट एन आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस ट्यूनिंग सर्किट. सो आई थिंक इट विल, आई विल शेयर द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन. सो सब शेयर करने से नहीं होगा, सो आई शुड गो थ्रू इट. ओके, सो यहाँ पर ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इस डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में एट लो पावर लेवल, एट लो वोल्टेजेस पर क्या होता है, इट विल वर्क एज स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक्स. और हाई वोल्टेजेस पर ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स देता है. सो आई थिंक टाइम इज गोइंग टू ओवर नाउ, सो प्लीज ज्वाइन अगेन, ओके, सो दैट आई विल कंप्लीट दिस. Okay, so stop the sharing.